हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे और मौज मार रहे होगे। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त प्रिंस और स्वागत है आपका क्रिएटो लैब्स के एकदम ही नए एपिसोड में। आज के एपिसोड को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रिव्यू लैब के अंदर और आज के एपिसोड में भाई मैं रिव्यू करने वाला हूँ सोनी की ऑफिशियल एसेसरीज को जो कि सोनी ने डिज़ाइन किया है स्पेशली PS5 के लिए। दैट्स वाई तुम्हारा भाई इतना एक्साइटेड है आज, क्योंकि ये सारी एसेसरीज मेरे पास आ चुकी हैं और सारी यानी सारी एसेसरीज, चाहे वो हो पल्स 3D चाहे वो हो चार्जिंग स्टेशन, जी हाँ सारी एक्सेसरीज मेरे पास आ चुकी हैं और उन एक्सेसरीज के लिए आई ट्राइड सो हार्ड। सॉरी भाई अगर तुम्हें गंदा लगा हो तो, पर क्या करें एक्साइटमेंट लेवल ही इतना है भैया। पर ये एक्साइटमेंट लेवल मैं तुम्हें दिखाऊंगा आगे, उससे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि अगर तुम लोग देखो ये पूरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियो के रेगुलर अपडेट्स तुम्हें मिलते रहे भाई नोटिफिकेशन पे। और अगर अभी भी तुम्हारे मन में ये सवाल चल रहा है कि एक्सेसरीज मैंने कहां से परचेज की, तो प्लीज़ चिंता मत करो भाई, आए बता के जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे छोटी पर सबसे दमदार एक्सेसरी के बारे में, जो कि है मीडिया रिमोट। और सोनी को इससे प्रीवियस कॉन्सोल्स के साथ भी इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था। मेरा PS4 जो है मेरे टीवी से कनेक्टेड है और हर बार मुझे कुछ भी सर्च करना हो यूट्यूब नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह तो मुझे ड्यूअल शॉक का ही सहारा लेना पड़ता था या मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी यही काम करना पड़ता था। पर इस बार ऐसा नहीं है, इस बार एक डेडिकेटेड रिमोट दिया गया है PS5 के साथ आपको। और मैं बता दूं ये सिर्फ PS5 के साथ ही कंपेटेबल है और मैंने इसे अपने PS4 Pro के साथ कनेक्ट करके देखा पर ये वर्क नहीं कर रहा। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, अगर आपके पास PS4 है आप ये मीडिया रिमोट ले रहे हो तो बिल्कुल मत लेना। इस तरीके के बॉक्स के साथ ही आता है, तो यहाँ देख रहे हो आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, Spotify, Disney, Hotstar वगैरह इन सब ऐप्स को आप नेविगेट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ मेंशन किया हुआ है बॉक्स के लेफ्ट साइड में कि ये कंपैटिबल है सिर्फ PS5 के साथ, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और अब हम चलते हैं बॉक्स के राइट साइड में और देखते हैं कि यहाँ क्या चीज़ें मेंशन की हुई है। तो यहाँ बॉक्स में क्या क्या कॉन्टेंट्स है, क्या चीज़ें मिल रही हैं, AA बैटरीज, रिमोट कंट्रोल, ये दो चीज़ें ही आपको मिलेंगी। और बहुत अच्छी बात है कि AA बैटरीज जो है सोनी ने इंक्लूड की हुई है, तो आपको बाहर बाजार से कोई बैटरीज या सेल लेने की ज़रूरत नहीं है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा प्राइस यहां सोनी ने रखा हुआ है इस रिमोट कंट्रोल के लिए, जो कि है ₹2590। तो जी हाँ, ₹2590 में आप ये रिमोट खरीद सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट एसेसरी की तरफ और ये जो एसेसरी है ये बहुत खास है स्ट्रीमर्स के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ HD कैमरा की। तो सोनी ने ये जो HD कैमरा है बेसिकली PS5 के लिए ही डिज़ाइन किया है और अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन यहां दिया गया है इस कैमरा का। मैं आपको अनबॉक्सिंग वीडियो जो अलग से मैं बनाऊंगा उसमें ये बताऊंगा आपको, पर अभी मैं फ़ीचर्स की बात कर लेता हूं। तो ये बॉक्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहां HD कैमरा लिखा हुआ है, साथ ही साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है। चलते हैं बॉक्स के लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में वही सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि कंपैटिबल विद PS5 और यहां जो है कंटेंट्स लिखे हुए हैं कि बॉक्स में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी अंदर। और चलते हैं बॉक्स के बैक साइड में, तो यहाँ कुछ फीचर्स मेंशन किए हुए हैं, 1080p फुल HD कैमरा जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बैकग्राउंड रिमूवल टूल्स भी इसमें दिए हुए हैं और साथ ही साथ बिल्ट इन स्टैंड भी हमें यहाँ देखने को मिलता है, वो हम अनबॉक्सिंग वीडियो में देखेंगे। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ₹5190 में आप इसे परचेज कर सकते हैं। और अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट एसेसरी की तरफ जो कि है ड्यूअल सेंस चार्जिंग हब और ये भी बहुत खास एक्सेसरी है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि ये दो रिमोट एक साथ चार्ज कर सकती है। वैसे तो PS4 के लिए भी बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन आते थे पर सोनी का डेडिकेटेड चार्जिंग स्टेशन जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है PlayStation 5 के लिए, जो कि कंपेटेबल है ड्यूअल सेंस के साथ ही। तो जी हाँ, ये सिर्फ ड्यूअल सेंस को ही चार्ज करेगा, ड्यूअल शॉक को नहीं। बॉक्स के लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आप कंपेटेबल विद ड्यूअल सेंस, साफ साफ यहाँ मेंशन किया हुआ है। फ्रंट साइड में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था, वो मैं दिखा चुका हूँ आपको। और लेफ्ट साइड में यहाँ पे कंटेंट्स मेंशन किए हुए हैं। और अब चलते हैं बॉक्स के बैक साइड में और देखते हैं यहाँ क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। अनबॉक्सिंग में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा बट यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ कि दो ड्यूअल सेंस जो है ये चार्जिंग स्टेशन चार्ज कर सकता है एक साथ 2.5 से 3 घंटों में। साथ ही साथ PS5 के जो आपके पोर्ट्स हैं उन्हें फ्री कर देगा।
और क्लिक इन मैकेनिज्म दिया हुआ है, वो हम देखेंगे अनबॉक्सिंग वीडियो में कि किस तरीके से ये क्लिक इन मैकेनिज्म वर्क करता है। और प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो ऑफिशियल इंडियन प्राइस जो है इस चार्जिंग स्टेशन का वो है 2590। जी हाँ, सेम एज मीडिया रिमोट, आप इसे भी 2590 में परचेज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एसेसरी की तरफ, जो कि है ड्यूअल सेंस। और मैं बता दूं सब लोगों को कि ड्यूअल शॉक जो लोग यूज़ कर रहे हैं अपने PS4 के साथ, तो भाई ये चीज़ जो है अल्ट्रा लेजेंड है। और ड्यूअल शॉक अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इस चीज़ को अगर आप यूज़ कर लोगे एक बार तो भाई ख़तरनाक। तो बॉक्स के फ्रंट में यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, प्लेस्टेशन, सोनी की ब्रांडिंग और ड्यूअल सेंस नीचे लिखा हुआ था। और राइट साइड में जैसा कि हम देख रहे हैं कंपैटिबल विद PS5, जैसा कि हर बॉक्स पे मेंशन किया गया है, मैं आपको बता चुका हूँ। राइट साइड में कंटेंट्स मेंशन किए हैं कि आपको इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। और अब चलते हैं बॉक्स के पीछे की साइड, तो यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक, अडैप्टिव ट्रिगर्स। और अडैप्टिव ट्रिगर्स की मैं बात करूँ तो भाई ये भी मतलब एक ऊँचे लेवल की चीज़ है। और उससे भी बढ़िया चीज़ की यहाँ बिल्ट इन माइक्रोफोन दिया गया है ड्यूअल सेंस में, और सिग्नेचर कंफर्ट यहाँ मेंशन किया है। प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो ऑफिशियल प्राइस जो है इंडिया में वो 5990 है। चलते हैं नेक्स्ट एसेसरी की तरफ, जो कि है सबसे बेहतरीन और सबसे डिमांडिंग पल्स 3D। और भाई मुझे बड़ी मुश्किल से ये मिली, और मुझे पता है तुम जानना चाहते हो कहाँ से मिली, तो रुको जरा, सबर करो। ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा भाई, पर उससे पहले देख लेते हैं Pulse 3D के बारे में कि क्या क्या चीज़ें यहाँ मेंशन की है बॉक्स पे। तो Pulse 3D की ब्रांडिंग दी हुई है, Pulse 3D वायरलेस हेडसेट, और ऊपर के साइड में यहाँ आप देख सकते हैं PlayStation की ब्रांडिंग दी हुई है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रेजेंट में भी मैं अभी सोनी के जो है बेसिक हेडसेट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं वायर्ड हेडसेट है, पर भाई इसका तो परफॉर्मेंस खतरनाक आता है PlayStation 4 के साथ। तो इसकी अगर बात करें तो वो मैं बताऊंगा आगे, रुक जाओ। देखते हैं बॉक्स के लेफ्ट साइड में, तो यहाँ देखो ये खास चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि ये जो एक्सेसरी है ये कंपेटेबल है PS5 के साथ, PS4 के साथ और PSVR के साथ भी ये कंपेटेबल है, क्योंकि इसमें 3.5mm जैक दिया हुआ है, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। तो चलिए अब चलते हैं बॉक्स के राइट साइड में, और यहाँ डिफरेंट कुछ हमें देखने को मिलता है, फाइन ट्यून फॉर 3D ऑडियो ऑन PS5 कॉन्सोल। यहाँ ये खास चीज़ मेंशन की हुई है, तो वो हम देखते हैं आगे जब हम कनेक्ट करेंगे PS5 से। अभी तो मेरा PS5 नहीं आया मेरे भाई, वो भी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा क्यों। और यहाँ एज यूजुअल कंटेंट्स मेंशन किए हुए हैं। तो ये तो हो गई बॉक्स के राइट साइड की बात, और चलते हैं बैक साइड पे, और यहाँ सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, सारे फीचर्स मेंशन किए हुए हैं। तो बात करें सबसे पहले फीचर की, जो कि है ड्यूअल हिडन माइक्रोफोन, जो कि है नॉइस कैंसिलेशन और क्लियर वॉइस के लिए। साथ ही साथ यहाँ बिल्ट इन बैटरी आपको देखने को मिलती है जो कि 12 आवर्स का बैकअप देती है। इजी एक्सेस कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ 3.5mm जैक यहाँ दिया हुआ है PSVR के लिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं रिफाइंड ईयर पैड्स यहाँ मेंशन किया हुआ है टू प्रोवाइड यू मोर कंफर्ट। और वायरलेस एडेप्टर आप यहाँ देख सकते हैं, ऊपर डिज़ाइन भी दिया हुआ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि कनेक्ट होगा आपके PS5 से। और ये जो एक्सेसरी है ना भाई, ये मतलब Pulse 3D जो है ना, इसके लिए लोग पागल हुए जा रहे हैं, और अभी ये कहीं अवेलेबल नहीं है, ना गेम्स शॉप पे ना अमेज़ॉन पे। और सीरियसली भाई मुझे प्यार हो गया था जब मैंने अपने फ्रेंड के PS5 पर इसे एक्सपीरियंस किया था। प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो 8590 का ऑफिशियल प्राइस यहाँ आपको मिलता है। तो यहाँ हम लोगों ने बात कर ली सारी एसेसरीज़ की, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ दे दी है। बात करते हैं मेरी ओपिनियन की कि क्या ये एसेसरीज़ आपको परचेज़ करनी चाहिए, तो बिल्कुल इट्स अ येस। आपको जहाँ भी एसेसरीज़ मिल रही हैं आप बिल्कुल ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक है बहुत सारी वेबसाइट्स से, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, ये एपिसोड अभी तक देख रहे हैं, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने ये एसेसरीज़ कहाँ से परचेज़ की। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे एक फ्रेंड है मिस्टर जुबीन, उन्होंने मुझे बताया था एक पर्सन के बारे में जिनका नाम अश्विन है, और कंपनी नेम अश्विन एंटरप्राइजेज है, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन्हीं से मैंने ये सारे एसेसरीज़ परचेज़ किए हैं, और प्लेस्टेशन 5 भी मैंने मंगवाया है जो कि अभी ट्रांजिट में है, और उसके बाद ही मैं सारे एसेसरीज़ की अनबॉक्सिंग करूँगा, और प्लेस्टेशन 5 की भी अनबॉक्सिंग उसी टाइम पे होगी, और उसी के साथ एक धमाकेदार एपिसोड भी आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पे कि स्टॉक बहुत लिमिटेड है और स्टॉक अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपका अगर जो शिपमेंट है वो लेट हो रहा है तो आप चिंता ना करें, आप तक वो शिपमेंट पहुँचेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। मैंने भी मेरा जो PS5 है वो जनवरी में ऑर्डर किया था, एंड स्टिल आई एम वेटिंग फॉर इट। तो जैसे ही PS5 आता है आपको एक नया वीडियो देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ज़रूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाले एपिसोड के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जाओ जाके 10,000 फॉलोअर्स पूरे करो वहाँ पे यार, ताकि हमें भी थोड़ा एंथुसियाज्म मिले भाई, नई नई चीज़ें हम लोग अपडेट करें इंस्टाग्राम पे भी। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा,
और अगर पसंद आया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।